भिलवाड़ा के संभागीय आयुक्त भवनलाल मेहरा ने जिला कलेक्टर सभागार में विभागीय समीक्षा बैठक ली। इस दौरान खदानों में काम करने वाले श्रमिकों को सिलिकोसिस से बचाव के लिए सुरक्षात्मक उपकरण उपलब्ध करवाने पर चर्चा हुई। मेहरा ने कहा कि सिलिकोसिस से बचाव के लिए नियमित रूप से हेल्थ कैंप लगाए जाए, साथ ही उन्होंने खान विभाग के अधिकारी को इसके लिए सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बैठक में जिला कलेक्टर आशीष मोदी, एडीएम प्रशासन राजेश गोयल, एडीएम सिटी एनके राजौर सहित समस्त जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। भिलवाड़ा जिला कलेक्टर आशीष मोदी, पुलिस अधीक्षक आदर्श सिंधु और अतिरिक्त जिला कलेक्टर एनके राजौरा ने कलेक्ट्रेट परिसर में राजीविका के माध्यम से स्वयं सहायता समूह की ओर से निर्मित हर्बल गुलाल का उद्घाटन किया। जिला कलेक्टर ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कलेक्टर मोदी ने कहा कि रसायन युक्त गुलाल स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। उन्होंने समूह की ओर से बनाए गए हर्बल गुलाल की प्रशंसा करते हुए राजीविका की टीम को धन्यवाद दिया। जिले में NULM का जो मूवमेंट है उससे जुड़े हुए सभी स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आज हर्बल गुलाल यहाँ पर लॉन्च किया गया है। भिलवाड़ा में होली के बाद शीतला सप्तमी को लोग काफ़ी हर्षोल्लास से मनाते हैं, तो इसलिए जिला कलेक्ट्रेट परिसर में एक स्टॉल इनॉग्रेट किया गया है ताकि जो हर्बल गुलाल इन महिलाओं के द्वारा SHG के माध्यम से बनाया जा रहा है ये लोगों तक पहुंच सके। हर्बल गुलाल बनाने का आइडिया दिमाग में आया कि महिलाओं को रोजगार मिलेगा, इसके लिए सबसे पहले हमने उदयपुर जिले के जाड़ोल तहसील में CLM है जाड़ोल, वहाँ पे हमने एक्सपोजर विजिट की, वहाँ देखा कि महिलाएँ किस तरह उन्हें हर्बल गुलाल बना के रोजगार भी प्राप्त कर रही है और अपनी आमदनी बढ़ा रही है। उसके बाद वापस आके हमने FSSAI एक लाइसेंस बनता है वो बनाया, उसके बाद यहाँ आके CLF पर बात करी, कमेटी इसी मेंबर के सामने भी अगर हम अपने CLF लेवल से कोई अगर रोजगार, महिलाओं को भी रोजगार मिलेगा और CLF को भी इनकम मिलेगी, ऐसा कोई प्रोग्राम स्टार्ट करें।